आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है आजमगढ़ के जिला के निजामाबाद थाना क्षेत्र के शिवली गांव में जुलूस ए अमारी का आयोजन मातम के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश के कोने कोने से जुलूस में पधारे हुए मौलाना और विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हजरत इमाम हुसैन अली साहब हिंदुस्तान में शांति, भाईचारगी, मानवता आदि का संदेश देने आए थे। इस बात का पता चला जब तत्कालीन बादशाह वजीद को चलत उसने इमाम हुसैन साहब की अदा पसंद आई और उसमें इमाम हुसैन सहित उनके 72 साथियों को करबला के मैदान में कत्ल कर दिया जाता है, जिनकी याद में प्रतिवर्ष हुसैन की शहादत दिवस को अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर गमों के साथ मनाया जाता है और आगे भी मनाते रहेंगे, क्योंकि यह शहादत दिवस मनाकर हम विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि हर करबला के घराने वाले हैं, हमारे मुल्क पर किसी विदेशी मुल्क की आँखें उठी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि जिस घराने से मासूम बच्चे अपने हुसैन की याद में खून बहाना जानते हैं वह अपने देश की हिफाजत के लिए जान देना, जान लेना भी जानते हैं। जरूरत पड़ी तो हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने देश की हिफाजत करके दिखाएंगे। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। मौजूद है आजमगढ़ जिला के निजामाबाद थाना क्षेत्र के शिवली गाँव में, जहाँ हमारे सामने चहलुम का एक जुलूस चल रहा है। आइए इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। क्या नाम पड़ेगा आपका? गहरा जी, ये बताइए कि ये जो जुलूस चल रहा है चहलुम का, इसके पीछे क्या मकसद है, क्यों मनाया जाता है ये? देखिए, हमारे जो लास्ट प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके नवासे हैं और करबला के मैदान में उनका मीटरम हुआ था, उनका कत्ल हुआ था फॉर सेविंग इस्लाम, और उनका 40वां जो चहलुम होता है जिसको हम कहते हैं, उसके पर्पज से जुलूस हमारे को हम शिया कम्युनिटी मनाते हैं और अपना लाइक अपना व्हाट यू से रिस्पेक्ट उनको पे करते हैं उनकी सैक्रिफाइस के लिए जो उन्होंने किया था इस्लाम को सेव करने के लिए। आखिर हुसैन साहब का कत्ल क्यों हुआ करबला में? उस टाइम की हुसैन साहब का कत्ल क्यों हुआ करबला के मैदान में? जी, उस टाइम जो रूलिंग बादशाह था उस टाइम का यजीद, वो चाहता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि वो उनके लाइक यू नो उनके सामने सरेंडर कर दे और उनके हुकूमत को माने, बट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डिड नॉट एग्री टू इट और उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए, अपने लाइक अमन का संदेश देने के लिए उन्होंने झुके नहीं, बैत नहीं करी और इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने उनकी शहादत हुई थी, उनका कत्ल। कुछ महिलाएं भी करबला के मैदान में कुर्बानी दी, जैसे नाम आता है सकीना का, जैनब का, तो आप एक महिला हैं जी, तो उनकी कुर्बानी पे आप क्या कहेंगी? महिलाओं की कुर्बानी और पुरुषों की कुर्बानी, दोनों में फर्क जी, सबसे बेस्ट किसकी कुर्बानी मानेंगी आप? देखिए, कुर्बानी जो भी इन द नेम ऑफ रिलीजन इस्लाम को सेव करने के लिए, हर एक शहादत अजीम है, उसमें कोई भी ऐसी नहीं है जो कम है जो ज़्यादा है, बट जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन थी बीबी ज़ैनब, उन्होंने अपने भाई का कत्ल होने के बाद उन्होंने उनके लाइक यू नो मजलिसे कंडक्ट करके उनके मैसेज को दुनिया में बढ़ाया है, आगे किया है और अमन का पैगाम फैलाया है। और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी जिनकी शहादत, बीबी सकीना जिनकी शहादत शाम में हुई, उनकी शहादत की वजह थी उस टाइम के जो रूलर थे यजीद थे जिन्होंने उनको कैदी बनाया था, उनके जो टॉर्चर था कि मतलब उन्हें खाना नहीं देते थे, उन्हें कैद रखते थे, तो उसकी वजह से भूख से प्यास से उनकी डेथ हुई थी। वो बहुत छोटी थी, 5 ईयर्स उनकी उम्र कहा जाता है, और जो बीबी ज़ैनब थी इमाम हुसैन की बहन, उनका जो है लाइक यू नो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन प्रेजेंटिंग लाइक यू नो दी जो जिसकी हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वो उस ज़माने में मतलब उन्होंने जो किया है उसका मतलब कोई भी, शी इज़ स्टिल अनपैरलल्ड, मतलब उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। जैसा कि पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि करबला के मैदान में भाई बहन का अटूट प्यार था, दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बान होते थे और रोते थे जी, जी। क्या उस दौर का भाई बहन का प्यार आज के भाई बहन के प्यार के बराबर है या कुछ फर्क है? देखिए, उस ज़माने की जो बहन बीबी ज़ैनब थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन, उन्होंने
उन्होंने अपने बेटों को, उनके दो बेटे थे ऑन और मोहम्मद, उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी अपने भाई को लाइक यू नो भाई के सदके निछावर कर दी, और उन्होंने अपने बेटों के गम को नहीं मनाया, और उन्होंने मनाया अपने भाई के गम को, अपने भाई के मेट्रिडम को, उनकी शहादत को। तो उनका जो एक दूसरे का लेकिन वो समझना था, प्यार था। और एक और मिसाल के तौर पे हम मौला अब्बास को बताना चाहेंगे। मौला अब्बास इमाम बीबी जैनब के भाई थे, और वो उनको इतना मानती थी, इतना प्यार करती थी, इतना उनका बंधन अटूट था कि वो अभी भी उसकी मिसालें दी जाती हैं। और आज हम शिया कम्युनिटी उनके जो भाई बहन का जो रिश्ता था, जो मतलब अटूट उनका जो प्यार था आपस में, उसको अभी भी हम लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई वोंट से कि हम लोग उनसे बेटर हैं या लाइक यू नो आगे हैं, उनसे पीछे ही हैं। वो हमारे लिए आइडल्स हैं। उनका पूरा ख़ानदान, उनका घराना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा घराना हमारे लिए आइडल है। हम कोशिश कर रहे हैं अभी भी उनके जैसा बनने की, बट आई वोंट से कि हम लोग उनके जैसे हैं। या कड़ी में हम जानना चाहेंगे सागर आजमी साहब से कि सर आप क्या कहना चाहेंगे जुलूस हमारी के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलूस हमारी जिसका आयोजन आज ग्राम शूली में, निज़ामाबाद के पास शूली गांव में जिसका किया गया है, ये प्रोग्राम उसी याद में मनाया जा रहा है कि इमाम हुसैन के कत्ल के बाद जब उनके घर के लोगों को बंदी बनाकर के, असीर बनाकर के सीरिया शाम में ले जाकर के कैद कर दिया गया था, आज की वो तारीख है कि जब वो लोग रिहा होकर के छूट करके वापस अपने घर मदीना आ रहे हैं, उसी की याद में ये जुलूस हमारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अरब की जो मशहूर सवारी ऊँट है जिसका प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, जो दिखाया दर्शाया जा रहा है, ताकि लोग उस याद को अपने ध्यान में लाएँ और तसव्वुर करें, सोचे समझें कि हाँ, से 1400 साल पहले एक महत्वपूर्ण कुर्बानी, महत्वपूर्ण बलिदान हुआ था, जिसकी वजह से इस्लाम आज पूरे दुनिया में पाया जा रहा है। हमारी का मतलब क्या है, मतलब क्या है जी सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम निशान अली है। निशान साहब, ये जुलूस हमारी जो मनाया जा रहा है, इसका क्या पर्पज है? ये जुलूस हमारी मुहर्रम 2 महीने 8 दिन के होते हैं, और ये मुहर्रम के आखिरी दिन चल रहे हैं। हमारा ऐसा मानना ये है, और जो आस्था है, और जो इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है, मुहर्रम के 2 महीने 8 दिन हैं, जिसके शुरुआत के दिन जो है वो करबला इमाम हुसैन की शहादत से मंसूब है। 10 दिन हमारे आशूर के कहलाते हैं। इस आशूर में हम करबला के शहीदों को मनाते हैं, उसके बाद फिर चेलू माता, क्योंकि करबला के शहीदों का शहीद नहीं हो सकता, इसलिए हम चेलू मनाते हैं। फिर उसके बाद के दिन, चूँकि इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके घर, उनके साथ जो बीवियाँ आई थी, बच्चे आए थे, जो औरतें आई थी, बीवियों से मुराद हमारी औरतें हैं, वो जो आई थी साथ, जिनके बेटे मारे गए, उनके दूर के पाले मारे गए, उन सब बीवियों को कैदी बना दिया गया था। बच्चों को भी कैदी बना दिया गया था, गले में रस्म बांध दी गई थी, कैदी बना करके उन्हें शाम ले जाया गया था, जहाँ पर जिंदान कैदखाना है उसमें ले जा करके इनको बंदी ग्राम में बंद कर दिया गया। 2 साल तक ये कैदी रहे, उसके बाद ये वहाँ से, इमाम हुसैन की 4 बरस की बेटी थी जो वहाँ जिंदान शाम में मर गए, तो वहाँ पर एक इनकलाब आ गया, रेगुलेशन आ गया कि यजीद ने बहुत बड़ा जुल्म, अत्याचार, अन्याय किया है नवासे रसूल के साथ। तो लोगों में जैसे जैसे जागरूकता पैदा होती चली गई, तो शाम के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ, तो मजबूर होकर के यजीद ने इमाम हुसैन के घर की जो औरतें थी उनको रिहा कर दिया। तो ये उसी रिहाई का हम गम मना रहे हैं, तो वो जिंदाने शाम में कैदी बन करके रहे। तो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर अमारियाँ हैं जिनमें वो माएँ हैं जिनके बेटे मारे गए, वो माएँ हैं जिनके बच्चे मारे गए, जिन्होंने अपने शोहर को खोया, अपने बच्चों को खोया। तो ये ख़ास तौर से जहाँ जहाँ ये हम अमारी का गम मना रहे हैं, लेकिन एक लोगों के अंदर जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं कि इस्लाम के अंदर महिलाओं की अपनी एक अहमियत है, महत्वता है। आप देखें कि औरतों के इस्लाम में बहुत महत्वता दी है, और ख़ास तौर से करबला में इमाम हुसैन के साथ उनकी बहन है जनाब ज़ैनब, जो मौला अली की बेटी हैं, उन्होंने औरतों को एक संदेश दिया कि जब आप हक के रास्ते के ऊपर होते हैं, और जब आप सच्चाई के राह पे होते हैं, और आपके सामने जब इम्तिहान हो, परीक्षा की घड़ी हो, उसमें इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए। जनाब ज़ैनब ने जो औरतों को एक संदेश दिया है, वो बहुत बड़ा संदेश है कि औरत कहीं भी कमज़ोर नहीं है,
और वो अगर लोगों को चाहे तो इमाम हुसैन की शहादत ख़त्म हो जाती, दुनिया तक नहीं पहुंच पाती अगर जनाब ज़ैनब न होती। तो जनाब ज़ैनब ने लोगों को करबला लोगों तक पहुंचाई है, इमाम हुसैन की शहादत को पहुंचाया है, इसीलिए इमाम हुसैन की बहन को और औरतों को खराज पेश किया जा रहा है जिन्होंने करबला बचाई है। ये उसी याद में सर, जिस तरह से इस्लाम के लिए हुसैन घराना करबला के मैदान में कुर्बानी दे दिया, क्या उस तरह से आज के मुस्लिम लोग इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। देखिए, कुर्बानी से मुराद ये नहीं होता, कुर्बानी से मुराद जान दे देना नहीं होता, कुर्बानी से मुराद होता है कि आप अपने चीज़ों को पहचानें, आप समाज के लिए जागरूक एक नागरिक बनें, आप जो जिसका हक है उस तक पहुँचाएँ, आप बातिल का साथ छोड़ कर के हक का साथ दें, जुल्म के खिलाफ खड़े हों, अन्याय के खिलाफ खड़े हों। आज देख लीजिए समाज और पूरी दुनिया की मैं बात करूँ, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से अन्याय हो रहा है और लोगों के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो गई है, वो करबला का महत्वता इस्लाम के जो है इमाम हुसैन की शहादत का, वो इंसान के अंदर का जो इंसान सोया हुआ है उसको जगाने का। जब इंसानी देख ले, कोई भी इंसान किसी धर्म का मानने वाला जब कोई छोटा सा अच्छा काम करता है उसके अंदर एक अंदर से एनर्जी पैदा होती है, ताकत पैदा होती है। इस्लाम का काम उसी एनर्जी को पैदा करना, उसी ताकत को पैदा करना। हमारी का मतलब क्या है, मतलब क्या है जी सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम निशान अली है। निशान साहब, ये जुलूस हमारी जो मनाया जा रहा है इसका क्या पर्पज है? ये जुलूस हमारी मुहर्रम 2 महीने 8 दिन के होते हैं और ये मुहर्रम के आखिरी दिन चल रहे हैं। हमारा अपना मानना ये है और जो आस्था है और जो इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है, मुहर्रम के 2 महीने 8 दिन हैं जिसके शुरुआत के दिन जो है वो करबला इमाम हुसैन की शहादत से मंसूब है। 10 दिन हमारे आशूर के कहलाते हैं, इस आशूर में हम करबला के शहीदों को मनाते हैं, उसके बाद फिर चेलू आता है क्योंकि करबला के शहीदों का शहीदों नहीं हो सकता इसलिए हम चेलू मनाते हैं। फिर उसके बाद के दिन चूँकि इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके घर उनके साथ जो बीवियाँ आई थी, बच्चे आए थे, जो औरतें आई थी, बीवियों से मुराद हमारी औरतें हैं जो आई थी साथ, जिनके बेटे मारे गए, जिनके दूध के पाले मारे गए, उन सब बीवियों को कैदी बना दिया गया था, बच्चों को भी कैदी बना दिया गया था, गले में रस्म बांध दी गई थी, कैदी बना करके उन्हें शाम ले जाया गया, जहाँ पर जिंदान कैदखाना है उसमें ले जा करके इनको बंदी ग्राम में बंद कर दिया गया। 2 साल तक ये कैदी रहे, उसके बाद ये वहाँ से इमाम हुसैन की 4 बरस की बेटी थी जो वहाँ जिंदान शाम में मर गई, तो वहाँ पर एक इनकलाब आ गया, रिवोल्यूशन आ गया कि यजीद ने बहुत बड़ा जुल्म अत्याचार अन्याय किया है नवासे रसूल के साथ। तो लोगों में जैसे जैसे जागरूकता पैदा होती चली गई तो शाम के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ, तो मजबूर होकर के यजीद ने इमाम हुसैन के घर की जो औरतें थी उनको रिहा कर दिया। तो ये उसी रिहाई का हम गम मना रहे हैं, तो वो जिंदान शाम में कैदी बन करके रहे। तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर अमारियाँ हैं जिनमें वो माएँ हैं जिनके बेटे मारे गए, वो माएँ हैं जिनके बच्चे मारे गए, जिन्होंने अपने शोहर को खोया, अपने बच्चों को खोया। तो ये ख़ास तौर से जहाँ जहाँ ये हम अमारी का गम मना रहे हैं, लेकिन एक लोगों के अंदर जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं कि इस्लाम के अंदर महिलाओं की अपनी एक अहमियत है, महत्वता है। आप देखें कि औरतों के इस्लाम ने बहुत महत्वता दी है और ख़ास तौर से करबला में इमाम हुसैन के जो साथ उनकी बहन है जनाब ज़ैनब जो मौला अली की बेटी हैं, उन्होंने औरतों को एक संदेश दिया कि जब आप हक के रास्ते के ऊपर होते हैं और जब आप सच्चाई के राह पे होते हैं और आपके सामने जब इम्तिहान हो, परीक्षा की घड़ी हो, उसमें इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना चाहिए। जनाब ज़ैनब ने जो औरतों को एक संदेश दिया है वो बहुत बड़ा संदेश है कि औरत कहीं भी कमज़ोर नहीं है और वो अगर लोगों को चाहे तो इमाम हुसैन की शहादत ख़त्म हो जाती, दुनिया तक नहीं पहुंच पाती अगर जनाब ज़ैनब न होती। तो जनाब ज़ैनब ने लोगों को करबला लोगों तक पहुंचाई है, इमाम हुसैन की शहादत को पहुंचाया है, इसीलिए इमाम हुसैन की बहन को और औरतों को खराज पेश किया जा रहा है जिन्होंने करबला बचाई है। ये उसी याद में सर, जिस तरह से इस्लाम के लिए हुसैन घराना करबला के मैदान में कुर्बानी दे दिया, क्या उस तरह से आज के मुस्लिम लोग इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। देखिए, कुर्बानी से मुराद ये नहीं होता, कुर्बानी से मुराद जान दे देना नहीं होता, कुर्बानी से मुराद होता है कि आप अपने चीज़ों को पहचानें, आप समाज के लिए जागरूक एक नागरिक बनें, आप जो जिसका हक है उस तक पहुँचाएँ, आप बातिल का साथ छोड़ करके हक का साथ दें, जुल्म के खिलाफ खड़े हों, अन्याय के खिलाफ खड़े हों।
आज देख लीजिए समाज को, पूरी दुनिया की मैं बात करूँ, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से अन्याय हो रहा है और लोगों के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो गई है, वो करबला का महत्वता इस्लाम के जो है इमाम हुसैन की शहादत का, वो इंसान के अंदर का जो इंसान सोया हुआ उसको जगाने का, जब इंसानी देख ले कोई भी इंसान किसी धर्म का मानने वाला जब कोई छोटा सा अच्छा काम करता है उसके अंदर एक अंदर से एनर्जी पैदा होती है, ताकत पैदा होती है। इस्लाम का काम उसी एनर्जी को पैदेश है। आपने कहा कि इस्लाम हमेशा जुल्म के खिलाफ कभी नहीं खड़ा रहा, हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा है, न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए अपने सहयोगी से ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।